तो अब लिया जाएगा ड्रोन शॉट। ये देखिए ये पूरा है ना, ये पूरा सूज गया। बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू साओ बीच, द व्हाइट सैंड बीच। तो मैंने ये चीज है ना, ये इन लोगों मैंने पूछा कि क्या है। ये सरप्राइज है, ये सरप्राइज अपने लिए। तो आज के ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स, पैनकेक, ब्रेड और जैम और जूस। आज का ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट रखेंगे क्योंकि अभी इंडिया के खाने की याद आने लगी है, अपने घर के खाने की याद आने लगी है, तो ये सब कुछ है ना अभी थोड़ा खाया नहीं जा रहा है, तो अपन लाइट ही खाएंगे। So we are all set. तो आज हम लोग फुकवैक के ना चार आइलैंड एक्सप्लोर करने वाले, और आज स्पीड का सामना होने वाला है। वो क्यों? तो आप लोगों को जब आइलैंड एक्सप्लोर करना शुरू कर दूंगा ना, आपको पता चल जाएगा। बट बढ़िया मज़ा आने वाला है। चार आइलैंड फुकवैक के, ऐसे ही इतना फुकवैक मेरे को इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं अभी तक प्रॉपर बीच पे गया भी नहीं हूँ फुकवैक के, आज प्रॉपर आइलैंड्स कवर करने वाला हूँ, थोड़ा बीच पे जाने वाला हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अभी अपनी गाड़ी आ रही है, गाड़ी आने के बाद आज का दिन शुरू। तो ये अपनी गाड़ी आ गई है और आज हम इनके साथ घूमने वाले। व्हाट्स योर नेम? मित्रदान वंगन 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 वंगन। ओह ओह ओह, अपने टूर ऑपरेटर का नाम तो नहीं समझा, बट अपनी टूर शुरू हो गई आज के दिन के लिए। अभी फेरी पॉइंट पे पहुंच गए हैं। अरे काफी भीड़ है यार यहाँ पे तो, और जैसे मैंने कहा आज सामना स्पीड से होने वाला है। तो आज स्पीड का सामना होने वाला है, मतलब आज हम लोग चारों आइलैंड स्पीड बोट से घूमने वाले हैं। और मेरा नसीब कि मैंने ब्रेकफास्ट एकदम लाइट किया है, ज्यादा करके फ्रूट्स का है। मेरे ये स्पीड बोट है ना, इतनी धपा धप हिलती है ना यार, इतनी पटकती है ना पानी में, पूरा यार पेट में ना सब इधर से उधर हो जाता है। तो बट यार अलग थ्रिल है। वहाँ पे शांत वाले बोट से हम लोग घूम रहे थे, क्रूज पे जा रहे थे, ये वाला डायरेक्ट स्पीड। हमारा टूर गाइड क्या बोल रहे हैं हम लोगों को कुछ भी नहीं समझ, इतना समझ में आ गया कि कुछ पहला पॉइंट 20 मिनट्स के बाद आएगा और बड़ी वेव का तेरा तो पटकने को हो रहा है। तो ये आइलैंड का नाम होनमोंग टाई है, उसका मतलब वियतनामी में नेल्स रहता है, नेल्स। और पीछे का नज़ारा देखिए। तो अब लिया जाएगा ड्रोन शॉट इस पूरे आइलैंड का, और भाई अपना लेगा ड्रोन शॉट, क्या बात है। ऐसे इतने इतने छोटे छोटे आइलैंड्स पे ना मैं ज़्यादा कभी आया नहीं। फुकेत, बैंकॉक, पटाया जब गया हूँ ना, तो वहाँ पे काफ़ी सारे बड़े आइलैंड्स हैं। ये तो काफ़ी एकदम छोटा आइलैंड है, उसमें उन लोग ने पूरा टूरिज्म डेवलप करने के लिए इतना सुपर किया है यार। एकदम ग्रीन ग्रीन पानी है, पानी के थ्रू
पूजा के अंदर दिखाई दे रहा है। कौन सा पत्थर कहाँ पे है? एक पल में सब कुछ गया जाता है, एक पल में सब कुछ मिलता है। एक पल में सब कुछ गया था मेरा, टॉगल कैप फोन सब पानी में। जिंदगी ऐसी ही है, जी लो भाई। इसके लिए बोलता है लिव लाइफ लव लाइफ। यहाँ पे खत्म होता है अपना फर्स्ट आइलैंड। अब यहाँ से दूसरे आइलैंड जा रहे हैं जहाँ पे हम करेंगे स्नॉकलिंग। हम नहीं, बाकी सब्जेक्ट अपने को तो स्विमिंग आता नहीं, अभी तक सीखे नहीं है स्विमिंग, तो वहाँ पे जाके स्नॉकलिंग करेंगे। पानी का कलर देखिए, हर एक यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे अलग है, वहाँ पे अलग है, आगे अलग है। बोट देख रहे हो? बाइक चलाने गए थे, अलग दिन डुबा के लेके आया मैं, डुबा के। तो अभी स्पीड बोट का सफ़र ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी हम लोग जो करने वाले हैं ना, और जो नज़ारा देखने वाले हैं ना, राइट फ्रॉम द टॉप नज़ारा देखने वाले, पूरा समुंदर ऊपर से देखने वाले और काफ़ी सारे आइलैंड्स ऊपर से देखने वाले हैं। क्योंकि अभी हम लोग केबल कार ले रहे हैं, यहाँ की सबसे फेमस एक्टिविटी है। तो आप लोग फूकवैक में तो केबल कार ज़रूर लीजिए। अभी केबल कार ले रहे हैं और ऊपर से पूरा समुंदर का व्यू लेने वाले। ये आ रही है अपनी केबल कार, सन वर्ल्ड Born from Nature Park। तो वहाँ है खूबसूरत सा समुंदर और यहाँ है आपका टूटा फूटा ट्रैवलर। हालत बहुत ख़राब है, जब गिरा ना मैं कल तभी मुझे इतना रियलाइज़ नहीं हुआ, बट उसके बाद जो पेन बढ़ते गया है ना, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा है ना, ये पूरा सूज गया है। ये वाला देखिए कैसे ओके है, और ये वाला देखिए यार, ये स्विमिंग पूल में जाने का रह गया यार। सोचा था आज जाऊँगा बट लंगड़ा त्यागी बन गया हूँ। अभी रिसेप्शन पे जाके बात करता हूँ कि भाई हम लोग को थोड़ा एक्सटेंड करके दे दो यार, टाइमिंग लग गया है। अगर 12 बजे चेकआउट कर देंगे ना तो यार कुछ फिर परेशान हो जाऊँगा, फिर कुछ करने जैसा नहीं रहेगा। भाई लास्ट दिन भी बाइक राइड एंजॉय करेगा, तो आज तो दूसरी मिली है एकदम लालम लाल, लाल छड़ी मैदान खड़ी। तो आज हम लोगों ने हाफ डे के लिए बाइक ली है 80,000 डोंग में। 10 बजे से 4 घंटा भी अपने पास बाइक है, तो थोड़ा बहुत लास्ट वाला फूकवैक एक्सप्लोर कर लेते यार। रुक रुक हाय, राइडर देख, राइडर बैनियर्स देख उसके। Boys and girls, ladies and gentlemen, welcome to Sao Beach, the white sand beach. लेकिन यार हाई टाइड है,
लेकिन जो भी सैंड है ना यहाँ पे, जो बची कुची है, पानी के अंदर नहीं है, पूरी वाइट है। और पीछे का समुंदर देखिए, बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए पूरा वाइट सैंड है, ये वाइट सैंड। और ये समुंदर, और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट बीच है इन फुकुओक, पूरा वाइट सैंड है। तो ये मेरे से आज मिस होने वाला था, क्योंकि अपने को लग गया था तो मैं कैंसिल कर रहा था, रिसोर्ट पे रुकने वाला था। लेकिन यार वन ऑफ द बेस्ट बीच है वो, आप लोगों तक अगर पहुंचाऊंगा नहीं तो फिर यार फुकुओक आने का मतलब ही नहीं बनेगा। तो बोला यार कैसे वैसे कर लेते, बट बहुत ही प्यारा है यार। पीछे रेस्टोरेंट्स है, सामने समुंदर है, यहाँ पे व्हाइट सैंड है। जैसे उन लोगों को लगा कि काफी कचरा गया है समुंदर में, कचरा इन द सेंस सब पेड़ पौधों का कचरा है, बाकी कुछ ज्यादा है नहीं, प्लास्टिक वास्टिक एक आध दूसरा रहेगा, तभी भी वो लोग फटाफट आए जो सब पूरा। आपको तो पता है भाई समुंदर कुछ रखता नहीं है, जो आप फेंकेंगे वो वापस वो बाहर लेके आता है। तो अभी पूरा वो सब आया था ना, वो लोग फटाफट सब क्लीन कर रहे हैं। ये ट्रिप का लास्ट लंच वियतनाम में, भूख भी तगड़ी लगी है क्योंकि ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट हो रहा है, तो अभी लंच एंजॉय करते हैं क्योंकि अपना होटल जो है ना वो 4 बजे तक है, बाइक 2 बजे तक है, तो 2 बजे तक अपने को बाइक देनी है। तो अभी फटाफट लंच करेंगे और रिसोर्ट चले जाएंगे। तो ये है अपना सी फूड सूप, अपना स्वीट कॉर्न सूप के जैसा लग रहा है। तो करना भाई, टेस्ट करना भाई, भाई तू पहले टेस्ट कर भाई। स्वीट कॉर्न सूप ही है। मैंने अभी सूप पी रहा था मैं और उनमें, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था, टेस्ट वाइज तो एकदम सही है। तो मैंने ये चीज़ है ना, ये इन लोगों मैंने पूछा कि क्या है, गूगल ट्रांसलेट में ला विच फिश इज दिस, उन्होंने मुझे क्या रिप्लाई किया रहेगा। फिर मेरे को रिप्लाई किया दिस इज नॉट फिश, दिस इज फंगस। अभी टेस्ट तो अच्छी लग रही है, तो लिक्विड है ना वो पी लेते हैं, वो फंगस वगस तो मैं खाने वाला नहीं हूँ। मेन कोर्स में स्टिकी राइस, चिकन विद टेरियाकी सॉस। यहाँ का राइस भी सिर्फ और सिर्फ स्टिकी राइस रहता है, अपना मस्त कैसा रहता है ऐसा वैसा नहीं रहता है, स्टिकी राइस ही रहता है। मैं जब से वियतनाम पहुँचा हुआ तब से राइस खा रहा हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ स्टिकी राइस खा रहा हूँ। आखिरी बार अपने होटल के यहाँ का बीच का नज़ारा, और आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार। और वहाँ पे वो क्लाउड्स देखना क्या सुपर्ब लग रहे हैं यार। तो एक आखिरी बार बीच पे आए हैं, 5-10 मिनट बीच पे बिताएंगे और फिर एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। अभी बज रहे शाम के 5:30 वियतनाम टाइम के हिसाब से, अपना 9:30 बजे का फ्लाइट है, लेकिन 4 बजे तक ही होटल था, तो 4 से हम लोग ने 4:30 बजे चेकआउट किया। अभी बिल क्लियर करेंगे और निकल लेंगे एयरपोर्ट। भाई साहब वो वक्त आ गया है, अपनी कैब आ गई है, अपनी सवारी निकल गई है फुकुओक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। काफ़ी छोटा एयरपोर्ट है बट तभी भी घूम लेंगे यार। तो 6 बजे जा रहे हैं यहाँ से, 20-25 मिनट पे एयरपोर्ट है, 9:30 बजे का अपना फ्लाइट है, तो सब कुछ करके फिर थोड़ी देर एयरपोर्ट घूम लेंगे। और भाई मस्त में चिकन रोल एंजॉय कर रहे हैं, चिकन रोल है क्या ये उधर क्या लिखा था, चिकन सब जो भी है जो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अभी। तो अभी वियतनाम में बजे है 7:00, अपनी फ्लाइट है 9:00, 2 घंटा है, तो मस्त में रोल वोल एंजॉय करते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर बोर्डिंग करते हैं। और जाने के लिए एक्साइटेड क्योंकि कल है अपना बर्थडे। तो यार कमेंट्स करके मेरे को विश कर दो जब अभी ब्लॉग देखेंगे तो प्लीज। ओके,
अरे वहाँ क्या सरप्राइज है, सब अपने दोस्त लोग हमें एयरपोर्ट पे अपने को पिकअप करने के लिए बर्थडे गिफ्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे। ये सरप्राइज है, ये सरप्राइज अपने लिए। वाह, अब मैंने अपना ही पेड़ पौधों का एकदम दिल से ख्याल रखा है ये 10 दिन। बहुत ही बढ़िया, मस्त मस्त में बढ़ गया। ये देखिए, ये तो काफ़ी बढ़ गया है। मैं गया अभी इधर इधर था और ये मस्त ऊपर आ गया। ये भी काफ़ी बढ़ गया है, बहुत ही प्यारा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंबई। कल रात को काफ़ी लेट हो गया तो हम लोग ये वाले घर पर आए, वो वाले घर पर नहीं गए। तो मम्मी को मिलना रह गया है, तो अभी मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ मम्मी को मिलने को। 10 दिन से मम्मी को मिला नहीं है क्योंकि माँ का प्यार आखिर माँ का रहता है, प्लस अपना बर्थडे है। तो अभी फटाफट हम लोग रेडी हो गए, वो वाले घर पे जा रहे हैं क्योंकि बर्थडे है तो पार्टी तो बनती है।